चलिए देखिए, छोटे छोटे बच्चे रास्ता चलते चॉकलेट मांगते हैं। दोस्तों बताइए, रास्ता चलते चॉकलेट कहाँ से मिलेगा? सुनो क्या बोल रहे हो। राधे राधे दोस्तों, मैं तनुजा, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं, मैं गार्डन में घूम रही हूँ। बगल में ही गौशाला था, गौशाला से दर्शन करके आ गई हूँ, फिर आप लोग से बातें कर रही हूँ। क्या बताऊँ दोस्तों, आज थोड़ा ठंडी था यहाँ पे। वैसे तो मुंबई में ठंडी रहती नहीं है, लेकिन आज का मौसम थोड़ा अच्छा था। और क्या बोलूँ, थोड़ा आप लोग से बातें करने का मन करता है। दोस्तों ज़रा बताइए, आप लोग आजकल किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, है ना? मैंने कोई भी अगर इंसान सच बोलता है तो भरोसा, तो सच तो बोलता ही नहीं। पहली बात है कि किसी को भी आप सच तो सुने नहीं होंगे। और रही बात, हर आदमी एक दूसरे का इस्तेमाल ही करना जानता है। अपना काम निकल जाता है, बस लोगों को भूल जाता है। ये नहीं जानता है कि वक्त इंसान को कहाँ से कहाँ ले आता है। आप जिससे दूर भागते हो उसी के पास आपको जाना पड़ता है। इसलिए घमंड तो बिल्कुल किसी को करना ही नहीं चाहिए आज के डेट में। आप जिससे बोलोगे उससे मुझे लेना देना नहीं, उसी के पास आपको जाना पड़ेगा। समय जो है ना, ये कुछ भी करवा सकता है आपसे। इसीलिए घमंड तो बिल्कुल नहीं कीजिए, लेकिन लोगों को समझ कहाँ आता है। थोड़ा सा दो पैसे आ गया तो आपके रिश्तेदार आपको पहचानेंगे नहीं, है ना? कहते हैं ना कि पैसा किसी के पास रहा नहीं है, खूबसूरती किसी के पास रहा नहीं है। ये दो चीज़ पे घमंड करना इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ये दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंसान की बेवकूफ़ी होती है। चलिए देखिए, छोटे छोटे बच्चे रास्ता चलते चॉकलेट मांगते हैं। दोस्तों बताइए, रास्ता चलते चॉकलेट कहाँ से मिलेगा? सुनो क्या बोल रहे हो। देखिए दोस्तों, मैं आई हूँ गौशाला मंदिर, और ये चॉकलेट, ये कहाँ से मिलेगा चॉकलेट, ज़रा बताओ तो। दुकान से। दुकान से, यहाँ दुकान है। हाँ। देखिए कितना तेज बच्चा है। अभी मैं गार्डन में आप लोग से बातें कर रही हूँ तो ये लोग चॉकलेट मांगने के लिए आई है। क्या क्या नाम है तुम लोग का? श्रुति। इसका, मेरा नाम आयशा, इसका नाम श्रेया। श्रेया, श्रुति और एनी। एनी, ये तीनों को रास्ता चलते दोस्तों चॉकलेट मिलता है। बताइए जरा, मैं दूसरे दिन चॉकलेट लेके आऊंगी, आना कल आऊंगी लेके, तो जरूर तुम लोग आना, ठीक है? अभी यहाँ कोई गार्डन में चॉकलेट नहीं मिलता है दोस्तों। ये लोग रास्ता चलते चॉकलेट कहाँ से मिलेगा, फिर भी मैं बोलती हूँ कल लेके आऊंगी, ठीक है? चलो बाय बोलो। बाय बाय। देखिए दोस्तों, ये लोग भी बाय बाय कर रही है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे को। जरा आप लोग भी देखिए, ये लोग पढ़ाई करती हो कि नहीं? हाँ, करते हैं। कौन सा स्कूल में जाती हो? कौन सा स्कूल? दूसरी में। दूसरी में? तीसरी में। और ये दूसरी की स्टूडेंट है, ये तीसरी की स्टूडेंट है? बताइए कौन सी दूसरी की या तीसरी की है? बताओ। अरे ये छोटी वाली, ये हाँ स्कूल ही नहीं जाती। स्कूल ही नहीं जाती, अच्छी ही बात है। तभी तो पेड़ लेके घूमती है, अच्छी बात है। ये स्कूल नहीं जाती है, एकदम खुलेआम घूमती है, खेलती है, एंजॉय करती है। चलो मैं दूसरे दिन चॉकलेट दूंगी, ठीक है? कल मिलूंगी, कल दूंगी जरूर। बाय बोल दो। चलिए दोस्तों, बाय बाय, है ना? अब जाओ। चलिए दोस्तों, मैं भी अब घर पे जा रही हूँ। चलिए दोस्तों, अभी 22 तारीख में तो आप कुछ दिन बचे नहीं हैं। आप देखिए कितने बड़े बैनर लगे हुए हैं रास्ता में। ये देखिए कितना बड़ा राम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव, कितना बड़ा बैनर है, देख रहे हैं? हर जगह यही धूम है। रामनवमी उद्घाटन राम जी का। चलिए दोस्तों, आप लोग भी जोर से बोलिए जय श्री राम। चलिए दोस्तों, घर पर आ चुकी हूँ और मेरा बेटा अपने टेंशन में, उसको अपना काम है। कहना आजकल सबको अपना अपना काम रहता है। देखिए कितने टेंशन में है स्टूडेंट, बहुत परेशान है ये। क्या कीजिएगा दोस्तों, आजकल का सबका यही ज़िंदगी है। बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सब अपने परेशान है एक दूसरे में। चलिए दोस्तों, आपकी आज कितना तारीख है? 19 तारीख है ना? 19, 20, 21, 22, मात्र 4 दिन बचा है दोस्तों। क्या है 4 दिन के बाद, आपको पता है ना, 22 जनवरी है दोस्तों। आप लोगों को भी पता है कि कितने दिनों का इंतज़ार सब लोग कर रहे हैं। इतनी बड़ी खुशी की बात है दोस्तों, तो सबको खुशी तो बहुत ही है।
और मात्र 4 दिन बचा, ये सुन के और भी खुशी हो गई है। तो हर घर में दीपदान और क्या। अयोध्या तो जो जा रहे हैं सो जा रहे हैं, कोशिश करेंगे हम लोग का भी हो पाएगा कि नहीं, मुश्किल है लेकिन कोशिश तो चालू है। हुआ तो ठीक है, नहीं तो घर में तो है ही। सभी हम लोग, सभी सब्सक्राइबर जितने लोग हैं सबको तो यही खुशी है कि सिर्फ 22 जनवरी का इंतज़ार है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस, आज का ब्लॉग बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में। आप लोग को क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और नए तो सब्सक्राइब करना है और जोर से बोलना है क्या, जय श्री राम।